मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एबीसी एनालिसिस। पहले भी आपको पता है कि हमारी ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है एबीसी एनालिसिस। इन्वेंट्री कंट्रोल में जो एक टेक्निक हमारी रह गई थी, जिसे हम पहले ईओक्यू डिस्कस कर चुके थे, एबीसी एनालिसिस हमारा रह गया था, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, एबीसी एनालिसिस के बारे में। सी एबीसी प्लान इज बेस्ड ऑन मटेरियल फॉर सिलेक्शन कंट्रोल, यानी कि एबीसी एनालिसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने मटेरियल के जो सेक्शंस हैं उन पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं। हम एबीसी एनालिसिस के थ्रू ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने मटेरियल के कौन से सेक्शन पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। सी देखो, आपको पता भी है हम इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों करते हैं। हम इन्वेंट्री कंट्रोल इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री का ज्यादा स्टॉक कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री में ब्लॉक हो जाती है, हमारा पैसा इन्वेंट्री में ब्लॉक हो जाता है। और वो आपको वापस कब मिलता है, जब आपकी इन्वेंट्री में से प्रोडक्शन हो जाता है, देन प्रोडक्शन होने के बाद वो सोल्ड आउट हो जाता है मार्केट में, तब जाके वो आपको पैसा वापस मिल पाता है। सो इट्स बेसिकली अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो हम उस चीज को अवॉइड करने के लिए कि हमारी जितनी भी ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री में ब्लॉक ना हो, हमारा पैसा इन्वेंट्री में ब्लॉक ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सफिशियंट लेवल भी बना रहे इन्वेंट्री का और हमारा ज्यादा से ज्यादा पैसा भी ब्लॉक ना हो इन्वेंट्री में। ठीक है, सो एबीसी एनालिसिस में हमें बेसिकली क्या करना है, एबीसी प्लान इज बेस्ड ऑन मटेरियल फॉर सिलेक्शन कंट्रोल। एबीसी एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि हमें मटेरियल के कौन से सेक्शन पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है, सिलेक्शन कंट्रोल यानी कंट्रोल को सिलेक्ट करना होता है कि किस सेक्शन पे हम कंट्रोल को एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट इज इट मेजर्स द मनी वैल्यू दैट इज कॉस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ ईच मटीरियल आइटम इन रिलेशन टू टोटल कॉस्ट एंड मटीरियल वैल्यू। सी एबीसी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम आइटम्स को क्लासिफाइड करते हैं। हमारे पास इन्वेंट्री में जितनी भी आइटम्स अवेलेबल है, जितनी भी यूनिट्स अवेलेबल है, हम उनको क्लासिफाई करते हैं तीन कैटेगरी में, जिसे हम बोलते हैं आइटम ए, आइटम बी एंड आइटम सी। और इन तीनों आइटम को हम क्लासिफाई किस बेसिस पे करते हैं, इन तीनों आइटम्स को हम दो पैरामीटर पे क्लासिफाई करते हैं। पहली होती है आपकी क्वांटिटी, सेकंड होती है आपकी वैल्यू। इट मींस दैट आपकी पर्टिकुलर आइटम की, सपोज आइटम ए है, तो आइटम ए की क्वांटिटी कितनी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और टोटल कॉस्टिंग में उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इन दो बातों के बेसिस पे ही हम आइटम्स को इन तीन पार्ट्स पे क्लासिफाई करते हैं। सी यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आइटम ए, आइटम बी और आइटम सी लिखे हुए, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, आइटम ए वो सारे आइटम्स होते हैं जिनकी जो परसेंटेज होती है इन्वेंट्री आइटम्स की, यानी कि जो क्वांटिटी होती है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में, वो सिर्फ 0 से 10% तक होती है, यानी कि वो आइटम की क्वांटिटी आपकी सिर्फ 10% होती है। बट उन आइटम की आपकी जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्टिंग अगर हम निकालें तो उस टोटल इन्वेंट्री कॉस्टिंग में 80% जो वैल्यू होती है वो आइटम ए की होती है। ठीक है, और आइटम बी कौन से होते हैं, आइटम बी वो आइटम्स होते हैं जो एज कंपेयर टू आइटम ए जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है बट जो वैल्यू होती है वो आइटम ए के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक, आइटम सी कौन से होते हैं, आइटम सी वो आइटम्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है ऑर्गेनाइजेशन में बट जो वैल्यू होती है टोटल इन्वेंट्री कॉस्टिंग में वो वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, उनकी कॉस्टिंग बेसिकली नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, सो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर्स अवेलेबल है। ठीक है, सो अगर कंप्यूटर की हम वैल्यू निकालें तो कंप्यूटर की कॉस्ट बहुत हाई आएगी। ठीक, सो अगर आप ऐसे लो कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1 से 2 कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं तो उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होगी। बट वहीं पे अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टेशनरी की बात करें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेशनरी कितनी अवेलेबल है, तो अगर हम कंपेयर करें कंप्यूटर को स्टेशनरी के साथ, तो ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर एक या दो होंगे और स्टेशनरी बहुत ज्यादा होगी, जस्ट बिकॉज हम पेन भी यूज करेंगे, पेंसिल भी यूज कर रहे होंगे, रजिस्टर्स भी यूज कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। सो लेकिन स्टेशनरी की क्वांटिटी ज्यादा होगी बट वैल्यू क्या होगी, कम होगी
एज कम्पेयर टू कंप्यूटर। सो जो कंप्यूटर्स होंगे वो आपके आइटम ए में आ जाएंगे और जो स्टेशनरी होगी वो क्या होगी आइटम सी में, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी बट वैल्यू कम होगी। ठीक है, वहीं पे आइटम बी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं फर्नीचर की बात करती हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो फर्नीचर एज कम्पेयर टू स्टेशनरी ज्यादा नहीं होंगे, लिमिटेड होंगे, बट एज कम्पेयर टू कंप्यूटर्स ज्यादा होंगे और उनकी जो कॉस्टिंग होगी वो स्टेशनरी के से ज्यादा होगी बट कंप्यूटर से कम होगी। ठीक है, सो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि हम इसमें क्या करते हैं, ए बी सी की कैटेगरी में जो आइटम क्लासिफाई करेंगे वो क्वांटिटी के बेसिस पे, और उनकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल कॉस्टिंग कितनी आ रही है आपकी टोटल मटेरियल कॉस्टिंग में, उसके बेसिस पे क्लास देखते हैं। ठीक है,